बहुत ही सुंदर ये धुन है राग बैरागी पर आधारित। आज हम इसी को बजाना सीखेंगे। राग बैरागी में कितने स्वर लगते हैं आप ये समझ लीजिए एक बार। आरोह अवरोह बताता हूं मैं। आधारित राग बैरागी जो है ये ठाट भैरव का एक राग है। इसमें नोट्स लगते हैं सा रे कोमल मा पा कोमल नी सा। तो नहीं, ये कौन सी औड़ब जाति का राग है? औड़ब औड़ब यानी पांच स्वर आरोह में और पांच स्वर ही अवरोह में लगते हैं। गंधार नहीं लगता है आरोह में और धैवत नहीं लगता है। दो स्वर वर्जित किए जाते हैं आरोह में भी और अवरोह में। सा रे मा पा नी सा और इसी टाइप से अबरो सा नी पा मा रे सा। पहली काली स्केल है मेरा सी शार्प और इसमें इसके फ्रेज देखें, दो फ्रेज हैं सिर्फ इस धुन के। नी सा रे सा नी सा यानी शुरुआत होगी कोमल नी, लोअर ऑक्टेव कोमल नी से। नी सा रे सा प म रे सा दो बार बजाना। नी सा रे सा प म रे सा और फिर प म रे सा नी सा प म रे सा नी सा। पूरा फ्रेज देखें। नी सा रे सा प म रे सा नी सा रे सा प म रे सा प म रे सा नी सा। ये तो पहला फ्रेज हो गया, इसको दो बार बजाना। इसके बाद दूसरा फ्रेज देखें। रे म प नी प नी सा यहां तार सप्तक के साथ ऊपर एक मात्रा ठहराओ। रे म प नी सा रे सा नी प मा यहां मा के ऊपर तीन मात्रा ठहराओ देना है। और उसके बाद में ये दो बार फ्रेज बजाना है। रे म प नी रे म प नी प नी सा रे सा नी प म दो बार बजाना इस फ्रेज को। उसके बाद में नी प म रे सा नी प म रे प म रे सा नी सा। फिर से देखें एक बार बताता हूँ। पहला फ्रेज नी सा रे सा प म रे सा नी सा रे सा प म रे सा। ये फ्रेज इतना दो बार बजाना रे नी सा रे सा प म रे सा नी सा रे सा प म रे सा। और उसके बाद में प म रे सा नी सा और उसके बाद में इस सा के ऊपर में आपको दो मात्रा ठहराव देना है। दो बार बजाना पहला फ्रेज। दूसरा फ्रेज रे म प नी प नी सा यहाँ सा के ऊपर एक मात्रा ठहराओ और उसके बाद रे सा नी प मा मा के ऊपर तीन मात्रा का ठहराओ। ये पूरा फ्रेज जो बताया है दो बार बजाना। रे म प नी प नी सा रे सा नी प मा रे म प नी सा नी रे सा नी प मा। और उसके बाद में दो बार बजाने के बाद नी प मा रे प मा रे सा नी सा और आपकी धुन तैयार हो जाएगी। आपको ये धुन बजानी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।